नमस्कार दोस्तों, इंडिया बैनोक्लो शॉप में आपका स्वागत है। जब भी हम बैनोक्लोज लेने जाएं तो चार पांच चीजें बड़ी जरूरी है। हमारा पर्पस, हमारा बजट, बैनोक्लोज की बिल्ड क्वालिटी, उसकी कोटिंग, उसका एक्सेसरीज क्या क्या है, आई रिलीफ क्या है। कंफ्यूजन रहता है कि ज्यादा पावरफुल बैनोक्लोज बेटर होते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमी में जितने कम पावर के होंगे, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू के होंगे या एग्जिट पीपल बेटर होगा, उतना बेटर होगा। क्योंकि कम पावर में इमेज आपको ब्राइट ज्यादा मिलती है, वाइड एरिया मिलता है, एग्जिट पीपल अच्छा मिलता है, तो ब्राइटनेस है वो इंटैक्ट रहती है। प्लस शेकीनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपने स्काई में देखना है, छोटे से स्टार क्लस्टर्स भी जो है वो काफी हिलते डुलते नजर आएंगे। जितनी ज्यादा पावर होगी, जितनी कम होगी, 7x काफी कम है, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी इमेज की। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इंड्यूस करेंगी कि 7/50 की तरफ जाए। अगर आपने नाइट तो नाइट में अगर हम बायनोक्लर्स यूज करना चाहते हैं तो हम कोशिश करें कि उसका जो एग्जिट पीपल है, अपर्चर डिवाइडेड बाय पावर, तो वो जितना ज्यादा होगा एग्जिट पीपल, तो नाइट में इमेज उतनी ब्राइट दिखाई देगी। क्योंकि नाइट में हमारी आईज के जो पीपल है वो काफी डायलेट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। नाइट में हम क्या देख सकते हैं, नॉर्मली हम एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएट करते हैं बायनोक्लर्स को, तो हेडीज, हाइडीज, स्टार क्लस्टर्स, ओरियन नेब्यूला या दूसरे नेब्यूला, इवन कुछ गैलेक्सीज। अगर आप क्लियर डार्क स्काइज में है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने बायनोक्लर्स से काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो प्लैनेट पावर तो नहीं आपको दिखा पाएंगे टेलीस्कोप की तरह। तो आज जो हमारे पास बायनोक्लर्स हैं वो 7/50 के तीन बायनोक्लर्स हैं। अब मैं चाहता था चौथा निकॉन भी हो, लेकिन निकॉन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है आज की डेट में, करीब 13,000-14,000 के आसपास उसका रेट हो चुका है, तो वो फिलहाल इसका पार्ट नहीं है। लेकिन जो तीन बायनोक्लर्स हैं, आइए उस पर नजर मारते हैं। और वो जो पैरामीटर्स हैं शुरू में हमने डिस्कस किए थे, कितने ये खरे उतरते हैं उस पर। सबसे पहले हमारे पास नेशनल ज्योग्राफिक का है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर आप पास लाएं तो चेकिंग चेक करते हैं इसकी कोटिंग्स कैसी हैं। तो ये मल्टी कोटेड बायनोक्लर्स है, जैसे मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, आई रिलीफ बहुत बढ़िया है, करीब 17/17 है, और एच टू एच शार्पनेस है जो जैसे मैंने अभी ऑब्जर्व किया, आप देख रहे हैं कि इसका जो आईपीस है काफी बड़ा है। इसके अलावा जो ये नियर बाय फोकस करता है वो करीब 6-7 मीटर पे फोकस कर लेता है, तो जो बर्डर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि जितना फास्ट फोकस हो सके तो बहुत अच्छा रहता है, उस लिहाज से अच्छा है। और अगर आप स्पेक्स वेयर करते हैं तो डेफिनेटली आई रिलीफ इसमें अच्छा है, इस बायनोक्लर में। इसके साथ एक्सेसरीज क्या क्या आती है, ये एक इसका स्ट्रैप है गले में लटका के देखने के लिए, डस्ट कैप्स हैं, और ये वाली डस्ट कैप्स इसके साथ में अटैच्ड है। तो बैग इसका अच्छा है, यहाँ पे एक पॉकेट भी दी हुई है, ये इसका कैटलॉग है साथ में, और एक ये यहाँ पे मेन बायनोक्लर्स यहाँ आते हैं। अच्छी क्वालिटी का बैग है, अच्छा सॉलिड बैग है, सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। ये इसका बॉक्स है नेशनल ज्योग्राफिक का, फर्न ग्लास के नाम से आता है, बैक फोर प्रिज्म में है, बाकी दो बायनोक्लर्स BK7 में है, लेकिन एक ये एक लौता बैक फोर है। जब आप देखते हैं डेफिनेटली बैक फोर प्रिज्म इमेज हल्की सी ब्राइट दिखाते हैं। फील्ड ऑफ व्यू इसका जो है वो 115 मीटर है, काफी वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। दूसरे बायनोक्लर में जाए तो ये काफी अच्छा बायनोक्लर है, पर्सनली बजट में मुझे काफी अच्छा लगता है। सेलेस्ट्रॉन का कॉमेट्रॉन के नाम से आता है, 7/50 है। कोटिंग्स में नजर मार लेते हैं, सेलेस्ट्रॉन इसको मल्टी कोटेड कहता है, और इमेज काफी अच्छी है डे टाइम में या नाइट में, काफी लाइट वेट है, करीब 780 ग्राम के आसपास है, ये वाला 1000 ग्राम के ऊपर है, और नियर फोकस ये भी 6-7 मीटर पे कर लेता है, आई रिलीफ पे 12 के आसपास है, लेकिन क्लैरिटी है बायनोक्लर में और लाइट वेट है। स्ट्रैप सेलेस्ट्रॉन पहले बड़ा देता था, आज की डेट में ये छोटा देता है। इसकी जो प्राइस है वो 4,800 की है। इस तरह से बॉक्स में आता है, और ये इसका बैग है जो कि रीजनेबली कुशन्ड बैग है। ये इसका बॉक्स है सेलेस्ट्रॉन कॉमेट्रॉन 7/50, 4,800 का है ये आपको पड़ता। आगे चलें तो हमारे पास विजन किंग का 7/50 है, इसमें डस्ट कैप साथ में आते हैं। सेलेस्ट्रॉन में जो है डस्ट कैप अलग हो जाते हैं नीचे के ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो इसमें साथ में आते हैं। कोटिंग की बात कर लें तो ये फुली कोटेड लगा मुझे। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, सेलेस्ट्रॉन से थोड़ी सी बेटर है। आई रिलीफ भी करीब 13-13.5 का है। फोकसिंग डिस्टेंस जो इसका है ये कम से कम 10-12 मीटर पे फोकस करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। और इसके साथ जो जो एक्सेसरीज है वो देख लेते हैं। इस तरह से स्ट्रैप है जो सेम सेलेस्ट्रॉन जैसी क्वालिटी है, डस्ट कवर साथ लगे हुए हैं, और ये ऊपर वाला है, और ये इसका बैग है वो भी रीजनेबली कुशन्ड है जैसे सेलेस्ट्रॉन का है, और इसकी जो प्राइस है वो 4,000 का है। तो अगर मैं इन तीनों में विनर की बात करूं तो नेशनल ज्योग्राफिक की बेस्ट बिल्ड ऑफ क्वालिटी है, बेस्ट बैग की क्वालिटी है, स्ट्रैप इसका बड़ा है इस तरीके से आप देख रहे हैं, बैक फोर प्रिज्म है, मल्टी कोटेड लेंसेज है, पास का फोकस करता है। और सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दोनों में टाई है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज विजन किंग थोड़ा सा बेटर है सेलेस्ट्रॉन से, और क्लियर क्लैरिटी ऑफ विजन अगर मैं देखूं तो दोनों ही क्लियर है। एक्सेसरीज भी दोनों की एक जैसी है,
एक जैसी है, लेकिन सेलेस्ट्रॉन एक ब्रांड में आता है और 800 रुपए ज्यादा प्रीमियम डिमांड करता है, जबकि विजन किंग पॉकेट में आपके हल्का है, 4000 का है। विजन किंग भी काफी जगह बिकता है, काफी मार्केट्स में, यूएस और यूरोप। सेलेस्ट्रॉन काफी पॉपुलर है इंडिया में और वो पास का भी फोकस कर रहता है 6-7 मीटर का, जबकि विजन किंग कम से कम 10-12 मीटर का। तो इन दोनों के बीच में टाई है एज टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, और विनर जो है ये है। तो अगर आपको 7x50 बायनोकुलर चाहिए, आप इन तीनों में चूज कर सकते हैं। और क्योंकि रात में आंखें काफी डायलेट होती हैं हमारी, तो 7mm इनका एग्जिट प्यूपल है जो कि काफी कॉम्पोसिट करता है मेज ब्राइटनेस को इंटैक्ट रखने में। ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती बायनोकुलर्स की नाइट में देखने के लिए। अगर आपके पास क्लियर डार्क स्काइज हैं, सिटी पोल्यूशन से दूर हैं, आप हिल्स में हैं, पहाड़ों में, डेजर्ट में, गांव में या फॉरेस्ट में, तो एक 7x50 बायनोकुलर को अपना कंपेनियन बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूडी फिलहाल हमारे पास नहीं है, आपको प्रीपेमेंट्स करनी पड़ेगी, लेकिन हम ट्रैकिंग शेयर करते हैं और रिप्यूटेड कोरियर्स यूज करते हैं।